नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए, इस वक्त लालू प्रसाद यादव की जो मीटिंग अखिलेश यादव से हुई है उस पर काफी घमासान उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बात करें सपा के नेताओं की, जो कि चाचा शिवपाल के साथ है, उन्होंने बगावत सी कर दी है। क्यों करी है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जब लालू से मुलाकात की है तो वो चाचा शिवपाल के और कुछ सपा नेताओं के खिलाफ हो सकता है। अब हमारे साथ इस वक्त देखिए किरण मौजूद है। किरण, यहाँ पे बताइए कि लालू प्रसाद यादव की मीटिंग हुई अखिलेश यादव से, उससे अगर चाचा शिवपाल की बात करें, उससे चाचा शिवपाल को क्या खतरा हो सकता है? और सपा के नेता देखिए बार बार बोल रहे हैं कि देखिए शिवपाल यादव के खिलाफ भी फैसला लेंगे, शिवपाल यादव को पार्टी से निकालने की कवायद हो रही है, और जबकि चाचा शिवपाल बार बार बोल रहे हैं कि भैया देखो मैं तो अपने परिवार के साथ हूँ। तो अगर ऐसा है तो अखिलेश ने लालू से मुलाकात क्यों की और शिवपाल के खिलाफ ऐसे कयास और अटकले क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि अखिलेश यादव यहाँ पर अकेले पड़ गए हैं और अब अखिलेश यादव को कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए क्योंकि पिता नहीं है, और ऐसे में लग रहा था कि शायद डिंपल यादव कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, लेकिन देखिए डिंपल यादव उतनी राजनीति में सक्रिय नहीं है, तो ऐसे में अब एकमात्र जो ऑप्शन अखिलेश यादव के सामने बचा है वो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव बच गए हैं। और हम आपको बताते चले कि जैसे चाचा शिवपाल के खिलाफ लगातार यही माना जा रहा था कि चाचा शिवपाल, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद चाचा शिवपाल और अखिलेश के बीच में जो संबंध है, जो खट्टे संबंध थे, अब वो मिठास में बदल सकते हैं, लेकिन अभी भी यही लग रहा है कि ये जो दूरियां है ये बरकरार रहेगी। और चाचा शिवपाल को आने वाले वक्त में क्या समाजवादी पार्टी अपनी तरफ करेगी, ये भी बड़ा सवाल उठता है। और तमाम चुनौतियां जो कि अखिलेश यादव के सामने है, अब देखना पीयूष बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार अखिलेश यादव इन तमाम चुनौतियों का किस तरीके से सामना करते हैं, क्योंकि एक तरफ हो गई भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अब मुद्दे उठा रही, लगातार आरोप लगा रही है अखिलेश यादव पर, दूसरी तरफ क्या चाचा शिवपाल भी होंगे, जो कि एक हम आपको बता दें कि चाचा शिवपाल भी भारतीय जनता पार्टी की तरह ही कोई मुद्दा उठा सकते, कोई आरोप लगा सकते, क्योंकि यहां पर हम बताते चले पहले कई बार ऐसे हुआ है कि चाचा शिवपाल की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए अखिलेश यादव पर और अखिलेश यादव भी आरोप लगाते थे। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि किस तरीके से बढ़ती है। नहीं बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो देखिए चलती ही रहती है, राजनीति का नाम यही है कि आरोप प्रत्यारोप, अब लगाते रहो दूसरे पर। देखना होगा कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति किस और करवट लेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।